अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का ब्लॉग अगेन मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं सुबह से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करूँ ना तो फिर मुझे पूरा दिन याद ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग बनाना है सो अब मैं ना सुबह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ और शाम तक फिर एक व्लाग बन जाता है सो मैं आज ना थोड़ा सा लेट उठी थी और मामा ने आज नाश्ता मंगवाया है सॉरी खाना और ना मेरा तो ये ब्रेकफास्ट है सो यहाँ पे हैं चने और चिकन का सालन है और साथ में पराठे हैं और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और थोड़ी देर बाद मैं फिर चाय बनाऊँगी क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता सुबह चाय पीने की मुझे आदत है और अगर चाय मिस हो जाए या समटाइम्स जल्दी में बाहर निकलना होता है चाय रह जाए तो मेरे ना सर में दर्द ही रहता है जब तक कि मैं चाय ना पी लूँ और आप लोगों में से किस किस को सुबह चाय पसंद है कुछ लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं मैं चाय लवर हूँ और मुझे चाय पसंद है और दिन में मैं दो से तीन बार चाय पीती हूँ और फिर दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी मीठा खाने का दिल कर रहा था तो ये मैंने आइसक्रीम निकाल ली थी ये ना कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना व्लॉग में ये आइसक्रीम लेके आए थे वही वाली आइसक्रीम है और वैसे मुझे ये कुल्फ़ा फ्लेवर नहीं पसंद लेकिन आज बस ये फ्लेवर अच्छा लग रहा था और इसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और कन्वेंशन सेंटर आई थी यहाँ पे एक इवेंट है मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आज ना उसकी प्रैक्टिस हो रही थी यहाँ पे सो बस ये अटेंड करना था और वैसे मैं बहुत लेट पहुँची थी और लोग भी काफ़ी लेट आए थे और बहुत लेट रिहर्सल स्टार्ट हुई थी और मेन इवेंट कल है आज उसकी प्रैक्टिस है मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी और गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ्रेंड्स आप लोग कौन कौन से सिटी से मेरा व्लॉग देखने अपने सिटीज़ का नाम नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और रास्ते में ना आते हुए मेरा सेवर खाने का दिल कर रहा था मैंने सेवर ले लिया था और इस्लामाबाद पिंडी में सेवर तो ना सभी का तकरीबन फेवरेट है मुझे भी बहुत पसंद है और ये मैंने चिकन वाला नहीं लिया था क्योंकि चिकन का मेरा दिल नहीं कर रहा था कबाब है और पुलाओ और सैलड और रायता है और सेवर का टेस्ट ना बहुत ही मज़े का एक ही टेस्ट होता है इनका और पिंडी से आप ट्राई करें लाहौर से जहाँ से भी टेस्ट एक ही होता है और बहुत ही मज़े का होता है और इस बार तो ना प्राइस बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा दी है कबाब भी इतने छोटे छोटे से हैं और ना क्वांटिटी भी राइस की कम मुझे लग रही थी एनी हाउ मुझे सेवर पसंद है और अभी पाँच बज रहे हैं और अभी मैं लंच करूँगी सो so फ्रेंड्स तब तक आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप लोग वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ से आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं अपने सिटीज़ का नाम लाजमी कॉमेंट कर दीजिएगा और आज इन पैरट्स का लास्ट डे है हमारे घर क्योंकि ये जा रहे हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना ये नेबर्स के हैं और जब भी वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं स्टे के लिए तो उनके पैरट्स हमारे घर आ जाते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं सो आज वो वापस आ रहे हैं और आज ये पैरट्स चले जाएंगे सो ये पूरा ना एक वीक हमारे साथ रहे हैं और ना एनिमल्स के साथ या पेट्स के साथ ना एक एफिलिएशन हो जाती है और फिर वो जब वो जाते हैं तो फिर उनकी कमी महसूस होती है ये दोनों पैरट्स हमारे घर एक वीक रहे हैं और सुबह उठ के ना इनको देखने की एक आदत सी हो गई है और अभी ये जाएंगे और फिर इनकी कमी महसूस होगी जब ये आए थे ना तो ये इतने ज़्यादा डरपोक थे इसी के अंदर ना घुसे हुए बैठे होते थे निकलते ही नहीं थे और ब्लू वाला ज़्यादा डरपोक था लेकिन अभी ये डर नहीं रहा क्योंकि इसको पता चल गया शायद इसके जाने का टाइम आ गया है और फिर नेबर्स आ गए थे और पेरेंट्स हमने उन्हें दे दिए थे और फिर रात का टाइम है मेरा मैक्रोनी खाने का दिल कर रहा था लेकिन घर पे मैक्रोनी अवेलेबल नहीं थी नूडल्स थे तो मैंने सोचा कि नूडल्स बना लेती हूँ वेजिटेबल्स के साथ और वैसे तो हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है मैं बहुत ही सिंपल मेथड से बना रही हूँ इसके लिए ना सबसे पहले ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया था और लहसन को चॉप कर लिया था उसको थोड़ा सा सॉटे किया वेजिटेबल्स ऐड किए हैं घर में ना यही बस तीन वेजिटेबल्स अवेलेबल थी और ये मैंने ऐड कर ली थी गाजर ना बाद में मैंने फ्रीज़र खोल के देखा तो मुझे नज़र आ गई थी ये फ्रीज़ की हुई थी ना गाजर चॉप करके फ्रीज़ की हुई थी सो ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी इनको बस थोड़ा सा फ़्राई करना है और नूडल्स ऐड करने या पानी डाल दूँगी इसमें नूडल्स कुक हो जाएंगे मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालती नमक डालती हूँ मिर्च डालती हूँ चिली फ्लेक्स और जब ये कुक हो जाते हैं ना फिर मैं इसके बाद इसमें सोया सॉस चिली सॉस और सिरका ऐड कर देती हूँ केचप घर पे अवेलेबल नहीं था नहीं तो वो भी मैं ऐड करती हूँ सॉरी चिली गार्लिक सॉस उससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है और इस पर मैंने टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड किया था और आलू भी ऐड कर दिए थे आलू तो मुझे बहुत पसंद है और साथ ही ना यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे हैं क्योंकि आज खाने में दाल बनी हुई है और दाल खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था सो so, मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए हैं सो फ्रेंड्स अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करूंगी और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या ख़्याल है सो so, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं कोलिग्स हो सकते हैं जो हमसे हसद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नीमते हैं या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो हसद करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से नज़र लगती है हमारे कामों में बहुत रुकावटें आती हैं और मैं तो ना ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ और स्टार्ट में ना मैं इग्नोर नहीं कर सकती होती थी मुझे बहुत इरिटेशन होती थी लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ और आप लोग क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा वैसे तो हमारे रिलीजन में भी है ना कि रोज़ रात को सोने से पहले चारों कुल आयतल कुर्सी वग़ैरह पढ़ने से नज़र नहीं लगती हसद जादू जन्ात इनका इफेक्ट नहीं होता सो मैं तो चारों कोल पढ़ के सोती हूँ और वैसे ना इन टॉक्सिक लोगों से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा जो लोग हसद कर रहे होते हैं ना वो अपना ही लॉस करते हैं हसद नेकियों को इस तरह से ख़त्म कर देता है जैसे लकड़ी को आग ख़त्म कर देती है हसद करने वाला ना हमेशा अपना ही लॉस करता है सो एनी हाउ फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़